हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज एक और नई वीडियो लेके आए आपके लिए, जो कि हमारे आईक्यू G6 प्रो की। तो लगभग 30 दिन से इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, आपके लिए एक डिटेल रिव्यू लेकर आए हैं। अगर आप लोग ये फ़ोन खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप लोग ये फ़ोन खरीदना चाहते हो तो इस पर बहुत सारे ऑफर वगैरह चलते रहते हैं, एक्सचेंज ऑफर, कार्ड ऑफर। अगर आपका कार्ड वगैरह है तो आपको ये फ़ोन अच्छे रेट में मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बैक पे दोस्तों हमें मिलता है प्लास्टिक बैक, जो कि हमारे को ग्लास का लुक देता है। बहुत ही अच्छी मटेरियल यूज़ करा हुआ है। इसका फ्रेम जो है हमें प्लास्टिक का मिल जाता है, और इसका कैमरा मॉड्यूल हमारे कुछ अलग मिलता है, थोड़ा बड़ा बड़ा सा, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। बाकी इन हैंड फील फ़ोन का बहुत अच्छा है। मैं इतने दिन से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है फ़ोन को पकड़ने में, या कोई मेरा हाथ से स्लिप हुआ हो। स्लिपरी भी नहीं है ज़्यादा, मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ करा हुआ है। प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करें इसके वेट की, तो वेट इसका लगभग 180 ग्राम का है, जो फ़ोन हमारे को हैंडी फील होता है, ज़्यादा भारी भारी फील नहीं होता है। तो अगर आप ये फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और आपको कोई हल्का फ़ोन चाहिए तो आप ये ले सकते हैं या सोच सकते हैं इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके सिम स्लॉट के बारे में। इसमें हमारे को एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है, एसडी कार्ड का कोई स्लॉट कहीं भी नहीं दिया है कंपनी ने। ओनली एक नैनो सिम स्लॉट मिलता है हमें, जो कि दो सिम नैनो इसमें लग जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले हमारे को मिलता है 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है 90 हर्ट्ज के साथ। एचडीआर 10 का भी सपोर्ट है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी इसमें आती है। तो दोस्तों, अगर आप फ़ोन को आउटडोर ले आके भी यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप चाहे धूप में यूज़ करो, बिना धूप के यूज़ करो, डिस्प्ले आपको अच्छे कलर वगैरह निकाल के देता है। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है डिस्प्ले में, बहुत ही पंची कलर आते हैं डिस्प्ले से। मेरे को कोई भी कमी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं 30 दिन से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। डिस्प्ले इसका बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास डिस्प्ले कंपनी डाला है, जो कि आपको अच्छे से, कोई आप वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, आपको अच्छा ही लगेगा। पर स्पीकर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पीकर इतना अच्छा नहीं है क्योंकि डुअल स्पीकर इसमें नहीं आते हैं, सिंगल स्पीकर है। पर थोड़ा सा अच्छा है ये भी, सिंगल भी, मगर कुछ कमी है जो स्टीरियो स्पीकर में मिलती है, वो सिंगल स्पीकर में नहीं मिल पाती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको स्टीरियो स्पीकर पसंद है तो आप इसको छोड़ सकते हैं फ़ोन को। बाकी अगर आपका सिंगल स्पीकर में काम चल जाएगा तो आप इसको ले सकते हैं। और 3.5 mm का जैक भी इसमें नहीं मिलता है। एक कमी मुझे इसके डिस्प्ले में लगी थी, जब मैं YouTube में वीडियो देख रहा था, जब मैंने 2160 पिक्सल में वीडियो चलाया, तो दोस्तों ये देखो, ये वीडियो कितना क्लियर तरीके से स्मूथ चल रहा है। पर जब मैं HDR में वीडियो प्ले करता हूँ तो वीडियो अटक अटक के चलता है। अभी मैं HDR में ये वाला वीडियो चला रहा हूँ आपके सामने, ये यूट्यूब में ही प्रॉब्लम मिली है मेरे को और कहीं नहीं मिली है। और भी मैंने ऐप में जाके वीडियो देखे पर उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये यूट्यूब में प्रॉब्लम है। ये 2160 पिक्सल में HDR में वीडियो चल रहा है तो ये कुछ लैगी सा चलता है, कुछ अटक अटक के वीडियो चलता है, जो कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसमें हमारे को भी 5G फ़ोन है, तो हमारे को इसमें 5G के 7 बैंड मिल जाते हैं, मगर पता नहीं 5G इंडिया में कब आने वाला है, पर 5G के फ़ोन हम सबके पास आ चुके हैं। तो कॉल के दौरान या मैसेज के दौरान कोई भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं हुई है। इसमें मेरे को वाईफाई 6 डुअल बैंड, वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ 5.2, GPS वगैरह और टाइप सी वगैरह सब मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम कैसी भी नहीं है। बस कुछ दिक्कत है, जैसे NFC इसमें नहीं आता है, रेडियो इसमें नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो हमें इसमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर, जो बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। इस प्राइस रेट में हमें ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिलता है, जो हमारे को एक हैवी टास्क करने में मदद करेगा। जैसे आप कोई गेमिंग वगैरह खेलते हो या फिर कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो बहुत ही आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों डे टू डे यूज़ की। तो डे टू डे यूज़ में दोस्तों आप इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं गेम वगैरह तो इतनी नहीं खेलता हूँ, मगर मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह जरूर करता हूँ। तो वीडियो एडिटिंग में मेरे को कोई भी हैंग का प्रॉब्लम नहीं मिला, कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला है, जिससे जो बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज है, अच्छे से फ़ोन संभाल लेता है, कूलिंग सिस्टम इसका संभाल लेता है, जल्दी फ़ोन को हीट नहीं होने देता है, बैटरी लाइफ भी जिससे हमारी ज़्यादा चलती है और अच्छे से ऑप्टिमाइज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें हमें फंटच OS 12 देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज है। पर कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो इसमें पहले से प्री इंस्टॉल थे, जो हमारे को एक बुरा एक्सपीरियंस में देते हैं, पर आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो एक अच्छी बात है। बात कर लेते हैं इसके लॉक वगैरह की और डिस्प्ले फीचर्स वगैरह की। तो डिस्प्ले में ही हमारे को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसमें मिलता है, जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है इस प्राइस रेट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एक रिच लुक हमें देता है, और बहुत ही एक्यूरेट और फास्ट है ये। मैं आपको अनलॉक करके भी दिखाता हूँ,
फेस लॉक भी आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ। देखो मैं फेस लॉक से अनलॉक कर रहा हूँ, मगर इसमें लॉक स्क्रीन नहीं आ रही है, बटन दबाते ही डायरेक्ट अनलॉक हो रहा है फ़ोन। तो ये इसका प्रोसेसर भी इसमें यहाँ पे हमारे को फ़ायदा देता है, जो बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर रहा है हर चीज़ को, और फिंगरप्रिंट वगैरह भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी नॉच के बारे में। तो नॉच इतनी मेरे को अभी तक फील नहीं हुई है, इसकी डिस्प्ले जो है काफ़ी बड़ी है तो मेरे को नॉच इतनी देखने में नहीं आई है। और दोस्तों इसकी बैटरी की बात करूँ तो 4700 mAh की बैटरी हमें इसमें मिल जाती है 66W की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो इसे 45 से 50 मिनट में चार्ज कर देती है। अब तो दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के सबसे ज़बरदस्त पार्ट पे, जो कि होने वाला है कैमरे का। तो दोस्तों इस चीज़ का इंतजार लोगों को बहुत रहता है कि कैमरा फ़ोन में कैसा होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला है। आज आपको बहुत कुछ बताएंगे किस तरह की फ़ोटो ले रहा है, आउटडोर में, इनडोर में, लाइटिंग कंडीशन में, नाइट में, सब आपको दिखाएंगे। बहुत सारे शॉट हमने खींचे हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये पता करने में कि कैमरा किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। दोस्तों मेरे को कैमरा हर मामले में अच्छा लगा है, बस कुछ मामलों में जो फ़ोन का कैमरा मेरे को पसंद नहीं आया है, एक तो जो लाइटिंग कंडीशन है, अगर लाइट कंडीशन अच्छी नहीं है आपके कमरे में नाइट में तो फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा। बाकी आप घर से बाहर निकल के जा रहे हैं और फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपको ये फ़ोन खुशी करेगा, निराश नहीं करने वाला कहीं भी। तो दोस्तों मैंने कुछ शॉट लिए हैं इसमें वाइड एंगल में, 1x में, 2x में, मैं आपको दिखाता हूँ, और मैंने कुछ वीडियो भी बनाए हैं तो चलिए वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए एक नॉर्मल शॉट मैंने लिया था, बहुत ही अच्छे से क्लिक करता है, बहुत ही अच्छे से संभाल लेता है सब कुछ, वाइड एंगल शॉट भी बहुत अच्छा है ये। और एक माइक्रो शॉट लिया था, ठीक ठाक है, माइक्रो शॉट ज़्यादा बढ़िया नहीं आते हैं, पोर्ट्रेट बहुत अच्छे ले लेता है। कुछ सेल्फी मैंने डाली हुई है, ये मेरा एक सेल्फी शॉट है। ये मैंने कुछ एक स्टिकर लगा के मैंने क्लिक किया था, ये भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसमें स्टिकर वगैरह का सपोर्ट भी हमें मिल जाता है। ये अलग अलग कंडीशन में सेल्फी है, ये नाइट में सेल्फी मैंने ली थी, ये बहुत ही बेकार सेल्फी आई है नाइट में, नाइट में सेल्फी अच्छी नहीं लेता, फेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है, डिटेल सारी गायब हो जाती है। और ये कुछ फ़ोटो हैं दोस्तों जो अलग अलग फ़िल्टर लगा के मैंने ली हुई हैं, आप भी अगर आपका फ़ोन लो तो अलग अलग फ़िल्टर में अपने हिसाब से फ़िल्टर लगा कर फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, जो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगी। कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि मैं कैमरे के मामले में हर तरीके से सेटिस्फाई हूँ, मेरे को कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। बस हाँ नाइट कंडीशन में थोड़े सा नाइट मोड वगैरह इतना अच्छा वर्क नहीं करता है, बाकी अगर आपके पास लाइटिंग अच्छी है तो आप बहुत अच्छे फ़ोटो इसमें क्लिक कर सकते हो। तो मैंने कुछ कमरे में भी फ़ोटो क्लिक किए थे, जैसे ये फ़ोटो जो है ये नॉर्मल मोड में मैंने लिया हुआ है, ये मैंने फ्लैश के साथ लिया हुआ है, और ये मैंने नाइट मोड ऑन करके लिया है जो अच्छे से आ गया इसमें। तो दोस्तों अब ये है वीडियो, जो वीडियो क्वालिटी आपको दिखाई देगी किस तरह की वीडियो क्वालिटी है। दोस्तों प्राइस रेट के हिसाब से वीडियो क्वालिटी भी मेरे को पसंद आई, कोई कमी मेरे को नहीं लगी, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर देता है ये डिजिटल जूम है, तो दोस्तों थोड़ी बहुत फुटेज ख़राब होती है जूम करने में, पर जूम आउट जब मैं करूँगा तो आप देखना कितना ज़्यादा डिटेल हमारे को दिखाई देगा वीडियो में, और वीडियो बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, सारी डिटेल वगैरह अच्छे से रिकॉर्ड होती है वीडियो में। ऐसा नहीं है कुछ आपको समझ में ना आए वीडियो में क्या रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों कंक्लूजन यही है कि मेरे को फ़ोन हर मामले में बढ़िया लगा, कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगी, अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू दोस्तों।